हेलो एंड वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमेशा के लिए याद हो जाएगी, ठीक है, वो भी अच्छे से विद लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। तो सर, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बिजनेस स्टडीज में अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, आपको डेफिनेशन मैनेजमेंट की ये दी गई है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशियंटली। ठीक है सर, तो सर इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो बोला गया मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस की अगर आप हिंदी मीनिंग जानना चाहते हो तो प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। सर किस चीज की प्रक्रिया? मैनेजमेंट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम करवाने की। सर हम काम क्यों करवाएंगे? विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हम सर काम इसलिए करवा रहे हैं ताकि जो हमारा बिजनेस के गोल्स है वो हम अचीव कर सके। अच्छा सर, हम बिजनेस के गोल अचीव करेंगे, लेकिन हमें दो बातें ध्यान रखनी होगी, बिजनेस के गोल अचीव करने हैं वो भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ठीक है सर, तो सर एक बार फिर से बताओ डेफिनेशन। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया है। किस चीज की प्रक्रिया है? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम करवाने की। क्यों काम करवाएंगे? ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ही नहीं अचीव करना, उनको अचीव करना है वो भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ठीक है, अब सर इसको ना वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो डेफिनेशन में ना तीन मेन वर्ड्स आते हैं, आपके कीवर्ड्स बोल सकते हो जिसे। एक आता है सर मैनेजमेंट, तो पहली बात एक प्रोसेस होता है, और दूसरा वर्ड है इसमें कीवर्ड जो आपका आएगा इफेक्टिवली, और तीसरा आएगा सर एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन तो आपको आई होप क्लियर हो गई। अब इन तीन वर्ड्स पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, देखो सर मैंने ऑलरेडी आपके लिए कर रखा है। सर प्रोसेस का हिंदी मीनिंग तो हमें पता है भाई, प्रक्रिया होती है। ठीक है, प्रक्रिया मतलब जिस चीज में भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप करी जाने वाली चीज को ही हम प्रोसेस बोलते हैं, प्रक्रिया होती है। तो सर मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है। यस बच्चों, मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है। ठीक है सर, देखो प्रोसेस का मतलब सिंपली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स। जैसे ये सीढ़ी आपको दिख रही होगी, इसमें देखो क्या हो रहा है, एक एक स्टेप में एक एक आपका फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है सर, सर अगर मैनेजमेंट ऐसा प्रोसेस का क्वेश्चन आया, अगर सीबीएसई बोर्ड वालों ने पूछा कि सर प्रोसेस के बारे में बताओ, मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों कहते हैं, तो आप बताओ क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? आप दोगे मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज, क्योंकि इट हैज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व टू गेट द थिंग्स डन। सर हम काम जो करवाते हैं ना मैनेजमेंट के थ्रू करवाते हैं। काम किससे करवाते हैं? लोगों से करवाते हैं। लोग कौन? मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो इंप्लॉयज है उनसे काम कराते हैं। तो प्रोसेस का मतलब क्या है? सर हम इन लोगों से काम करवाएंगे स्टेप बाय स्टेप करवा दे। ठीक है, इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप इन्वॉल्व टू गेट द थिंग्स डन। और सर हम काम कैसे करवाते हैं? हम बेसिकली काम ऐसे करवाते हैं, हम ये पांच फंक्शंस, पांच स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ये पांच स्टेप्स हम बोल सकते हैं इन्वॉल्व होते हैं मैनेजमेंट में। सर ये आपने क्या क्या लिखा हुआ है? POSDC, इसको हम बच्चों प्यार से बोल सकते हैं पोस्ट डक। ठीक है, इसको आप न्यूमोनिक कोड, इस कोड से याद रख सकते हैं पोस्ट डक। P का मतलब होता है सर अपना प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, S का मतलब स्टाफिंग, D का मतलब डायरेक्टिंग, और C का मतलब कंट्रोलिंग। अभी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आगे आपको पूरा चैप्टर आएगा। ठीक है सर, अगर अब आपको एक बात क्लियर हो गई, अगर मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस का क्वेश्चन आया कि वाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ प्रोसेस, तो आप उसमें लिखोगे मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स और इट परफॉर्म्स अ सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट द थिंग्स डन। और वो सीरीज ऑफ फंक्शंस कौन कौन से स्टेप्स है बताओ, कौन कौन से स्टेप्स है? वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। सर ये वाला वर्ड तो हमें क्लियर हो गया। और अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, वो है इफेक्टिवनेस। सर इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? वैसे इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रभावकारी। तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है सर हमें तीन चीजों पर फोकस करवाता है इफेक्टिवनेस। हम कब बोलेंगे कोई बंदा इफेक्टिव है? वो हमें ये अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है ना, तो वो इफेक्टिव है वो बंदा। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है सर? सर पहली कंडीशन तो सिंपल सी है, डूइंग द राइट टास्क। मतलब एक तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ काम होता है, अगर वो उस काम को कर पा रहा है ठीक तरीके से, तो हम बोलेंगे वो इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका बताओ क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तरीके से वो चाहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा शर्ट मैन्युफैक्चर करूं, उसका काम ही यही है। वो शर्ट क्यों मैन्युफैक्चर करना चाहती है? ताकि वो मार्केट में बेचे और वहां से प्रॉफिट कमाए। तो बेसिकली आपका इफेक्टिवनेस फोकस करता है कि सबसे पहला उसका फोकस होता है डूइंग द राइट टास्क, मतलब शर्ट बनाना। एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सही काम क्या होगा? शर्ट बनाना होगा।
बिल्कुल सर, समझ में आ गया सर। इसका दूसरा फोकस किस पे होता है? कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम, मतलब बेसिकली बस सिर्फ शर्ट बनानी नहीं है, उसे टाइम पे भी कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे साइड में एक एग्जाम्पल ले रखा है, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स। सर वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्लॉय नेम मिस्टर ए। अब इस एम्प्लॉय को ना, इसका एक मैनेजर है, उसने क्या बोला, ये मतलब एम्प्लॉय आपका, मिस्टर ए को बोला गया कि आप ना सर 11 बजे आ रहे हो सुबह ऑर्गेनाइजेशन में और आप 7 बजे निकल जाओगे यहाँ से, तो आपको इस दौरान में 50 शर्ट्स बनानी है आपको, ठीक है। ये बंदा ना इफेक्टिव था, इसने क्या करा, जो भी इसका जॉब का टाइम था 11 से 7 बजे तक, इसने अपना टारगेट को कंप्लीट कर लिया, इसने 50 शर्ट्स बना ली। तो सर इफेक्टिवनेस किस पे फोकस करती है? कि हमारा टाइम पे काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है सर। आई होप आपको समझ में आया होगा। और फिर अब हम आते हैं लास्ट फोकस इफेक्टिवनेस का, एक और चीजों चीज पे फोकस होता है, और उसका फोकस होता है इट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। मतलब सर इफेक्टिवनेस कहती है मुझे इससे मतलब नहीं कैसे काम पूरा हो, बस काम पूरा कर दो। आप अगर आपको 50 शर्ट्स का मिस्टर ए को टारगेट मिला, तो भाई तू कंप्लीट कर दे टाइम पे, मतलब 50 शर्ट्स बना दे, जो भी तेरा जॉब टाइम है उसमें बना के निकल। तो बेसिकली क्या है, इसका फोकस होता है बस एंड रिजल्ट अचीव हो जाए। एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एंड रिजल्ट क्या है, कि शर्ट बन जाए। कितनी शर्ट बन जाए? 50 शर्ट बन जाए, एक दिन में एक बंदे 50 शर्ट बना के चले जाए। और जैसे ही अचीव होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ, कि हम इफेक्टिव काम कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो सर इफेक्टिवनेस का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया। 3 बातें याद रखनी है, डूइंग द राइट टास्क। राइट टास्क क्या है यहाँ पे? शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए राइट टास्क है शर्ट को मैन्युफैक्चर करना। दूसरा सर कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, सर टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। और तीसरा, ये कंसर्न करता है खाली एंड रिजल्ट से, इसे बस चिंता होती है एंड रिजल्ट। मतलब अगर शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इसको इससे मतलब होगा कि मेरी शर्ट्स बन रही है, इससे कोई मतलब नहीं होगा कि कैसे बन रही है, बस बन जाए मेरी शर्ट्स, ठीक है। ओके सर, अब हम आते हैं थर्ड वर्ड पे, ये भी मैंने आपके लिए पहले से डिकोड कर रखा है। क्लास में तो सर हम बहुत अच्छे से बहुत डीपली एक्सप्लेन करते हैं, बट यहाँ पे आपको थोड़ा एक क्विक व्यू देना है, तो उस हिसाब से बताया जा रहा है। तो देखो सर, थर्ड वर्ड होता है जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, एफिशिएंसी। सर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी इफेक्टिवनेस की तरह 3 चीजों पर फोकस करता है। इसका देखो पहला फोकस क्या है सर, इसका पहला फोकस है डूइंग द टास्क इन राइट वे। सर इफेक्टिवनेस का भी तो यही था, नहीं बच्चों, इफेक्टिवनेस का था डूइंग द राइट टास्क, सही काम करना। बट लेकिन एफिशिएंसी का क्या है? डूइंग द टास्क इन राइट वे, सही तरीके से काम करना। देखो दो अलग चीज है। अगर आप शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हो, तो आपके लिए सही काम क्या है कि आप बस शर्ट मैन्युफैक्चर करो। बट लेकिन एफिशिएंसी क्या बोल रही है? एफिशिएंसी बोल रही है भाई सही काम तो कर ही रहे हो, लेकिन इसको सही तरीके से भी करो। और हम कब बोलेंगे कि काम सही तरीके से हो रहा है? हम सर तब बोलेंगे काम सही तरीके से हो रहा है जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, एकदम लो कॉस्ट में, कम कॉस्ट में उस काम को पूरा कर रहे हो। उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते, अगर हम 50 शर्ट को कम कॉस्ट में बना पा रहे हो, और कैसे बना पा रहे हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, जो भी हमारे पास संसाधन है, वो हम उनको ऑप्टिमली यूटिलाइज करें। थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ इन दोनों चीजों का मतलब क्या है। सर लो कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब यही है, अगर आपकी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एक, जब हम शर्ट बनाते हैं ना सर, तो हमें कोई ना कोई रॉ मटेरियल, कच्चा माल चाहिए होता है। क्या क्या चाहिए होता है सर? सर हमें ना कपड़ा चाहिए होगा पहली बात तो, और दूसरी बात हमें बटन्स वगैरह, प्लास्टिक वगैरह वो चाहिए होगा जिससे हम बटन्स वगैरह बनाएंगे, ठीक है सर। तो ये दोनों चीजें तो हमारे प्राइम रॉ मटेरियल है, ये तो चाहिए ही होगा आपको, क्या बनाने के लिए, शर्ट बनाने के लिए। तो सर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है कि मतलब अच्छे से हम सारे रिसोर्सेस को यूटिलाइज करें, जितना भी कपड़ा आया, जो भी बटन्स आए, ऐसा ना हो कि भाई इनकी वेस्टेज हो रही है। जैसे आप दर्जी की दुकान में जाते हो, तो आप देखते होगे कि इधर उधर हर जगह कपड़े फैले हुए, मतलब जो कपड़ा होता है उनका, वो जब शर्ट बना रहे होते हैं तो काफी वेस्टेज भी कर देते हैं, तो आप जनरली देखते हो कि हर जगह वो फैला हुआ है कपड़ा इधर उधर। तो हम सर कम से कम कपड़ा वेस्ट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा कपड़ा यूज हो जाए शर्ट बनाने में। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऑप्टिमम जितना हमारे पास रिसोर्सेस है, हम उसे अच्छे से यूज करें। अच्छा सर, हम ना मशीन को भी अच्छे से यूज करें, मशीन का अगर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, हम टाइम टू टाइम उसका मेंटेनेंस करवाएं, तो वो भी एक तरीके से क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है, ठीक है सर। ओके सर, सर हम एफिशिएंसी क्यों जरूरी है? क्योंकि सर ये ना हमारी ना कॉस्ट को कंट्रोल करती है, एक तरीके से कॉस्ट कम आए तभी तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा सर, ठीक है। ओके सर, अब हम इस पे आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि है इट डज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को आप ऐसे समझो, मतलब कॉस्ट कितनी आ रही है और बेनिफिट, ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम।
एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी मस्ट कंपेयर कि हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है और उससे बेनिफिट कितना हो रहा है. अगर कॉस्ट ज्यादा है और बेनिफिट कम है तो हमें वाला ऑप्शंस नहीं चुनना चाहिए. मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल हमें ना कपड़ा मंगाना है भाई, क्योंकि हमें शर्ट बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कपड़ा वगैरह मंगाना पड़ेगा. तो जब हमने कपड़ा मंगाया तो दो सप्लायर्स से, मान लो एक था मिस्टर एक्स एक था मिस्टर जेड. अब हमारी कंपनी ना मिस्टर एक्स से भी कपड़ा मंगा सकती है या फिर मिस्टर जेड से मंगा सकती है, किसी एक बंदे से मंगाएगी. ठीक है, जो मिस्टर एक्स था ना वो कपड़ा दे रहा था हमें 200 रुपए का, जो मिस्टर जेड था ना वो कपड़ा दे रहा था हमें 195 का. तो अगर आप सिंपल, टू पुट इट सिंपल, अगर आप ऐसे सोचोगे तो आप तो ये बोलोगे सर हमें ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके क्या करना चाहिए, इस बंदे पे भरोसा करना चाहिए क्योंकि हमें ना थोड़ा सस्ते में प्रोवाइड कर रहा है कपड़ा, इससे क्या हमारी कॉस्ट कम आएगी. बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कॉस्ट और बेनिफिट को हम कंपेयर कर रहे हैं. अगर कॉस्ट कम आएगी तो बेनिफिट ज्यादा हो जाएगा, तो आप सही सोच रहे हो. बट सर खाली एक ही फैक्टर नहीं होता इन्वॉल्व. अगर आप सोचोगे इससे 195 का लेना तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्वालिटी ऑफ कपड़ा कैसा है. तो कई सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है. अगर मान लो ये 195 में दे रहा है लेकिन इसका क्वालिटी ऑफ कपड़ा बेकार है तो आप क्या करोगे, इजिली से 200 पे भी लोगे क्योंकि आपको अपना भी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है. लेकिन अभी हम ये मान के चलते हैं दोनों ना इक्वल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे रहे हैं, मतलब दोनों एक ही जैसा कपड़ा दे रहे हैं, तो सर हमारा डिसीजन क्या होगा, 195 रुपीज होगा. क्यों? क्योंकि हमें ये भी देखना है कि हमारी कॉस्ट कम से कम आए. ठीक है सर, आई होप आपको समझ में आया होगा. तो एक बार हम क्विकली रिवाइज करेंगे मैनेजमेंट की डेफिनेशन, और आज के बाद अब कभी भी अब आपको याद भी हो चुकी है. बताओ मैंने अपनी क्लास में भी जब कराया था तो बस इतना ही एक्सप्लेन करा था और बच्चों ने उसी क्लास के एंड में खुद ही खुद ये डेफिनेशन पूरी सुना दी थी. सर मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है. प्रोसेस मतलब प्रक्रिया होती है. किस चीज की प्रक्रिया, गेटिंग थिंग्स डन. सर काम करवाने की प्रक्रिया. ठीक है, गेटिंग थिंग्स डन. सर हम काम क्यों करवा रहे, क्योंकि हमारा एम है काम करवा के हम क्या करना चाह रहे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाह रहे, गोल्स को अचीव करना चाह रहे. और सर दो बातें ध्यान रखनी है हमें, मैनेजमेंट करना है वो भी कैसे करना है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. हम काम करवा पा रहे हो वो भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली. मतलब अगर मैं इसको कॉम्बिनेशन में पढ़ू, जो आपका मिस्टर ए एम्प्लॉय था वो जो उसे 50 शर्ट्स का टारगेट मिला था वो 50 शर्ट्स भी बना ले रहा हो विद इन द टाइम अलॉटेड. लेट्स से उसे 11 बजे से 7 बजे तक बनानी थी, वो 50 शर्ट का टारगेट भी पूरा कर पा रहा हो और साथ साथ में वो मिनिमम कॉस्ट में भी कर पा रहा हो, मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. उससे क्या होगा सर, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये कंप्लीट विद इन वो टाइम भी सेटिस्फाई होता है तो मतलब इफेक्टिव है वो. और अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है कि मिनिमम कॉस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ बना रहा है तो इसका मतलब वो अब वो बंदा क्या है, एफिशिएंट है अपना. ठीक है सर, आपको समझ आ गया होगा आई होप. जब ये सारे इफेक्टिवली और एफिशिएंट की जाएगा सारा काम, ये सब करा जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स अचीव हो जाएंगे और हमें क्या है, अपना प्रॉफिट भी हमारा बढ़ जाएगा. ठीक है सर, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर आपको पसंद आई तो आप जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें. और आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज भी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ. हमारा एक संजय क्लासेस का ऐप है, उसमें मैंने पूरा चैप्टर 1 संजय क्लासेस का ऐप है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से. भाई बस टाइप कर देना संजय क्लासेस, उसमें आपको पूरा चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज का मैंने सारे लेक्चर जो अब तक हुए ओपन कर रखे. मतलब आपको ऐप खोलना है, नीचे स्टोर्स में जाना है, बॉटम मिडल में मिल जाएगा और उसमें आपको बिजनेस स्टडीज का कोर्स पे जाना है. और उसमें क्या है सर, आपको क्या कहते हैं, लेक्चर 1-7 हो चुके हैं, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. आप उनको जरूर देखें और फिर आप डिसाइड करें कि आपको क्लास लेनी है कि नहीं. ओके सर, थैंक यू.